गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज देर में उठे और जिम जा रहा हूँ अभी तो फटाफट डाइट लेनी है और डाइट लेने का गुनगुन को स्कूल को छोड़ना है, वहां से वापस जिम की तरफ जाऊंगा। रोटी के साथ पीनट बटर इज माय फेवरेट कॉम्बिनेशन दिस डेज, तो वो बड़ा सही हो रहा है। उसमें रोटी के साथ पीनट बटर ले लूंगा, 5 बादाम खा दूंगा और अगर एक केला होगा तो केला खा लूँ। केला है ना अम्मी? एक केला खा लेंगे। अभी तैयार हो गया? तो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मैंने टी शर्ट पहन लिया, बाहर से स्वेटर पहन लिया। जाने क्या जल्दी गाना गा दो, क्या मतलब होता है? अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, लिख के आओगी, लिख के लीजिएगा एक बाय। हेलो दोस्तों, भाई कर दी मजा आ गया। अरे एक तरफा आज तो मतलब आज तुमने फाड़ लगी थी पूरी। प्री वर्कआउट भी कह रहा हूँ, गलत ही शरीर में घुस गया। आज तो अपना भी मस्त गया वर्कआउट, बहुत कमाल का हुआ यार। मतलब आज स्ट्रेंथ वाला किया ना हमने। हाँ आज पांडे जी ने कितनी लगाई थी? 65 kg बेंच। देखिए वीडियो बनाई थी अभी। कहाँ गया? मैंने इससे वाला फटावा नहीं देते। अरे सुन महेंद्र, सुन महेंद्र बाबू, दही दही भी दे दो, मट्ठा भी दे दो। महेंद्र महेंद्र, इधर आ, एक बार वाला अपना स्टेप तो करो। तानसेन खा के दांत ऐसे कर दिए थे। हैं? तानसेन खा के दांत ऐसे कर दिए थे। देखा यहाँ, देखा यहाँ, तुम यहाँ हो यार, तुमने स्टेप तो करो एक बार, चलो सही। ये कौन सा स्टेप है भाई? कितना पीते हो? एक दिन भर में कितना पीते हो? दिन भर में एक डब्बा। बाप रे, बीड़ी का? बीड़ी तब पीता हूँ रात में, क्योंकि सिगरेट की दुकानें बंद हो जाती है। ओह मजबूरी, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। ये दही ले आया और छाछ ले आया। छाछ दिन में पीना ना? क्या छाछ दिन में पीऊंगा? दही ब्रेक क्या बनाते? दाल बना दो। तुम बारे में नट डालना भूल गया यार। बुआ कैसे आ फिर ला ले आऊं? हां ले आ। और अज्जू क्या मैं तो लेट क्यों जाता है भाई? सो गाइस मैं पीता हूँ अपना प्रोटीन और ब्रेड, उसके बाद ब्लॉग का प्रमोशन भी करना है। ऑलरेडी लेट हो चुका है, 10:15 हो चुके हैं। मैं जिम में था, अभी भी आ रहा हूँ, तो ब्लॉग के लिए स्टोरीज बनानी है। सुमित भी आया ना काम पे, तो उससे करवाना है काम। ठीक है, तो पापा मम्मी यहाँ पे ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं जरा। आपने बहुत टाइम बाद गाना गाया, अभी मैं नहाते नहाते ना गाने सुन रहा था। वैसे आप एक बात बताओ, जब आप लोग नहाते हो तो आपको नहाते समय क्या गाने सुनना पसंद होता है? मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं ब्लूटूथ स्पीकर ले जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और गाने चला देता हूँ, अपने जो फेवरेट गाने होते हैं। तो कभी कभी आज मैंने अलग गाना सुन लिया अभी मुझ में कहीं, तो मैंने सोचा ऐसी गुनगुना रहा था, मैंने कहा आप लोगों के सामने गुनगुना लेते हैं। तो अभी आ गया हूँ अपने हम इस जगह का नाम रखूँ क्या मैं, स्टोर रूम का अंडा रूम देता हूँ उसका नाम, अंडा रूम। तो आ गए अपने अंडा रूम में, यहाँ पे अंडे हैं, कितने बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अंडे बचे हैं, अभी 4 उबालने हैं।
बाकी नई ट्रे लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में, इसको बाद में रखता हूँ। तो मैं अभी ऊपर अंडे खा रहा था, मम्मी का फोन आया कि जल्दी आ जा नीचे, मुझे भी खाना खाना है। मेरे बिना खाना ही नहीं खाती यार, बोलो यार इनसे, तो खाना खा लिया करो, जब तक मैं नहीं खाऊंगा तो खाती नहीं है। खाओ करो ना खाना, पहले खा लो। हो गया है ये 140, 180, 200 से ऊपर हो गया। कितना चावल खाता है तू चिड़िया की तरह? चिड़िया की तरह क्या कर रहे हो यार ऐसे? ठीक है अपना भी कुछ काम हो गया था और मैं एक घंटा कुछ सो भी गया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे मंदिर में। मंदिर में मम्मी डेली बना रही है आज शिवरात्रि वाली, तो आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मंदिर बनाना होता है ना। और ये किसका लिक्विड है? ये चावल का। चावल का विश्वार कहते से। अच्छा वैसे देखो शिवरात्रि से पहले बनता है, यहाँ पर से लेकर दिवाली भी मनाते हैं वैसे तो, है ना? हाँ। यहाँ पे तो बन... बनाते हैं, हर महीने बनाते हैं। हाँ यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे भी। अभी मंदिर यहाँ से उठाया हुआ है, इसको यहाँ पे रख देंगे अभी। अभी वैसे मेरे अंडे भी खत्म हो गए, अंडे की ट्रे लानी है। दो दिन नहीं खाने तो आज के लिए आता हूँ। आज के लिए ठीक है, मतलब कल परसों नहीं खाने की शिवरात्रि होगी, उसका अमावस्या होगी तो कल परसों खाने नहीं अंडे, तो सिर्फ आज के लिए आता हूँ ना। हाँ। उतने ही ले आता हूँ अंडे। ले चल ला, आ जा, आ चल, आ चल, रहन दे यार, तू भाव भी नहीं देता ना। ठीक है हम चलते हैं सामने अंडे लाने के लिए। ये देखो यहाँ दुकान में बुआ भी बैठी हुई है। हाँ बुआ बताओ। अच्छा और फिर अगर क्यों गए मतलब बैंक में से? अरे पैसे लेने, बिना पैसे क्या होता है आज का? अच्छा ये बात है, है। ये बात है, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा आपको, आप उल्टा जवाब देते हो हमेशा ना। जैसा आप क्वेश्चन करते हो आंसर देते हैं, उल्टा तो देते नहीं है। यही तो बात है। अंडे हो गए 35 रुपए ना। गजब हो रहा है आपको ये। और मौसम कैसा हो रहा है? धूप आ रही है आज। धूप आ रही है, मतलब ये तो छाया हो गई अब। पता नहीं मुझे तो धूप जैसी लग गई। अच्छा रहता नहीं होगा शायद, रहता ना। क्यों नहीं होगा? तेरे रहता मैंने खा लिया था। मम्मी ने कहा कि उन्होंने कल भी नहीं खाया तो ही खा लिया उसका। इसका घूम का स्टाइल खाने का अलग है भाई। हो गया। चावल भी, न्यूट्रेला भी, आलू की सब्जी भी और ये ग्रीन अनियन की सब्जी भी, सब एक साथ मिक्स करके। मुझे लगा रोटी सब्जी होगी, फिर मैंने देखा चावल भी है, मैंने कहा क्या करूँ इसका, फिर मैंने एक साथ ऐसा कर देना, ये रायता भी डाल दे इसमें। नहीं बच्चे ऐसे कर रहे ना, हाय चक 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 मुझे देख के। मतलब किसने करा? कोई लड़की थी तेरे पास आके डांस करने लगी? मैं जानती। तो तुझे लोग सुभांशी बोल रहे हैं, गुनगुन बोल रहे हैं? गुनगुन नाम चेंज कर दिया मेरा, क्योंकि मतलब नहीं देखो खाने में लगी है खदवी। खाने कोई मतलब नहीं, खाने तो खाऊंगी, क्या चल रहा है मतलब मेरे खाने में। गुस्सा मत कर यार, गुस्सा मत कर। हो गया, बन गया सब? नीचे बन गया, अम्मा के वहां पर है मंदिर में। दादी का भी लाल वाला भी चावल से बनता है ना? गेरू है, गेरू गेरुआ। अच्छा रंग दे गेरुआ वही वाला है वो। साफ कर दो बहुत गंदा हो रहा है। बस तुम्हारा फोन हो गया, कभी सोने का फोन चाहिए, कभी साफ कर दो, कभी मुझे मम्मी को इसका कवर ले आऊंगा। चलो मुझे शाम को जाना नीचे को हल्दाने की साइड को, घुंगन की कुछ फाइल्स लेनी है इसकी प्रैक्टिकल के लिए ना। हाँ कुछ फाइल्स लेनी है और पन्ने लेने हैं, मम्मी के फोन में स्क्रीन गार्ड लगाना है, कवर लेना है। इसे बाल कटवा दो, बॉय कट करवा दो। नहीं मैं गंजे हो जाऊंगा, गंजे की मांग में सिंदूर। आप भी करो देखो चरम जवानी रसगुल। अरे दिन मैं ऐसे पहना दूंगी। अरे हाँ मम्मी के दिन आ रहे हैं, दिन आने से मतलब होली आ रही है और होली में यही सब होता है। जैसे औरतें यहाँ पे सामने बैठी होंगी, वहाँ बरामदे में सब औरतें बैठी होंगी, पूरा एकदम होली चल रही होगी, मम्मी कुछ बन के आएगी, कुछ और आंटियां भी है जो खतरनाक खतरनाक बन के आती है। तो उस दिन मम्मी किसकी मिमिक्री करने वाले हो? उस समय पता लगेगा। फिर लिया चादर। चल मैं कुछ गाना गाऊंगा तो उसके हिसाब से एक्ट करना, ठीक है? नहीं मैं वो वाले अच्छा लगता है। अब स्कूल में करेंगे लोग।
रसगुल्ला ये आके होठों पे लाली कानों में गजरा गल दुलो गुलगुल्ला डिच कर देता डिच ओहो हो फोटो पे लाली कानों में गजरा गल दोनों गुलगुल्ला देखो चढ़ो जवानी रसगुल्ला यार ये पागल हो गई है जब उनसे गुण तुझे आगरा ले जाना पड़ेगा यार ले जाओ ले जाएं क्या बता मैं बात करता हूँ लेकिन अगर आपको नंबर पड़ा है किसी आगरा के कोई पागल खाने का तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है सख्त जरूरत है हमको आप भी जाना जाओ लो नहीं नहीं एक बार अल हबीबी में कर दे कैसे पहनेंगे उसमें मैं ऐसे पहनती हूँ महबूबा मुफ्ती लगती हूँ देखना मम्मी ने बोला महबूबा मुफ्ती अल हबीबी अल हबीबी वल्लह वल्लह कैसे गुनगुन यार क्या 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 ऐसे करती हो यार अपने नींद क्यों नहीं आ रही है एक बार और गाइस मुझे बचा लो यार ये सब पागल हो गए हैं यार मुझे बचा लो प्लीज क्या कर रहे हो यार तुम लोग क्या कर रही है मम्मी वो पागल हो गई है तुमको सरा रही है अपना पागलपन तो गाइस फाइनल तो हमने ले लिया है और हम चले सीधे पिज्जा वाली दुकान में चले फिर मतलब ला पीनो वाले पिज्जा वाली दुकान में दुकान क्या कहीं बोला ला पीनो से चल रहे हैं देखते हैं वहाँ का पिज्जा कैसा है देखते हैं सीन क्या होता है तो गाइस हमारा पिज्जा तो आ चुका है लेकिन जो हर जगह मेरी प्रॉब्लम होती है ना मैं किसी को अपना नाम बताता हूँ कि आपका नाम क्या है मैं स्वरूप बोलता हूँ या तो सौरभ लिखते हैं या स्वरूप लिखते हैं अब देखो क्या लिखा है ये देखो स्वरूप पांडे ही है ईव नहीं लगाया यहाँ पे चलो खाओ अब स्नैपचैट की दीवानी हट यहाँ से और ये अपना है ग्रीन एप्पल वो मोहितो ग्रीन एप्पल मोहितो और पिज्जा तो इसको पेलते हैं फिर चलते हैं चलो तो खतरी चल बहुत खतरनाक डांट खाने वाले हम बाहर अंधेरा देख चीज होती है जो डांट नहीं खा सकते क्या मम्मी के लिए ले आ लो सोहन अल्लाह अच्छा हाँ ये मम्मी को मोटा करने की साजिश है तुम्हारी एक किलो सोहन अल्लाह क्या क्या कौन खाएगा इतना ज्यादा मम्मी खाएगी चाहती ना ऐसे दे देना मैं डांटेगी भी नहीं हाँ भैया इसका कवर चाहिए था रेडमी 9 प्राइम और इसमें स्क्रीन गार्ड भी लगाना है तो ये वाला लिया है गाइस इसका कवर ये देखो पुराना तो पीला हो गया है क्या हो गया क्या हो गया चल चल घर पे चलो बेचारा तो तुम्हारा गिफ्ट तुम समझ गए तुम क्वांटिटी भी ज्यादा लाया है और तुम्हारा फोन भी देखना और तुम्हारा फोन देखना मुझे बताना कैसा लग रहा है पहले फोन देखो इसमें बहुत बढ़िया कैसा है सामने से देखो स्क्रीन सही लग रहा कवर देखो कवर कवर बहुत सुंदर अलग लग रहा कुछ फोन अलग लग रहा नया लग रहा ये तुम्हें तो नजाकत से कहा खोल लो यार थैंक यू अबरे दो कितने सारे हैं एक किलो तुम भी खाओगे तुम ऐसे क्या देख रहे हो काजू भी है उसमें ठीक है नहीं पापा सोच रहे काजू है नहीं है काजू है सोचो जाओ सो गाइस यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रहा था अभी लैपटॉप में अभी आधी एडिटिंग हुई है तो मैंने लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है आगे देखो रिंग लाइट लगी हुई है और ऊपर देखो यहाँ माहौल बना हुआ है तो ऐसे मैं अभी कर रहा था लेकिन अभी हो गए बहुत लेट हो चुकी है 10 बज गए अभी पहले मैं डिनर करके आता हूँ बहुत लेट हो गया 10 बज चुका है तो नीचे जाता हूँ डिनर करता हूँ फिर एडिटिंग स्टार्ट करूंगा व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइए इस व्लॉग को एक लाइक जरूर बनता है ठीक है एंड कुछ ना कुछ कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये व्लॉग एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब
ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, एंड मिलता हूँ आपसे कल सुबह 10 बजे, बाय बाय।